टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर सुषमा चौहान स्कूल ऑफ साइंसेस से यू जी बी वाई वन जीरो टू से एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसपेरेशन के बारे में आज आपको बताऊंगी हमने अपने इस टॉपिक को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है पहला मॉड्यूल वन जिसमें हम आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में बताएंगे और दूसरा मॉड्यूल टू जिसमें हम आपको ट्रांसपेरेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपका जो लेक्चर लिया था उसमें हमने एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर के बारे में आपको बताया था जिसमें आपने देखा था कि पानी पौधे कहाँ से एब्जॉर्ब करते, करते हैं, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से तो रूट तक रूट के जाइलम तक पानी आपका आ चुका था अब प्लांट आपके बड़े बड़े होते हैं और उसमें ऊपर टॉप तक पानी को पहुंचना होता है तो टॉप तक पानी आपका कैसे पहुंचता है यह फैनमिना आपका होता है एसेंट ऑफ सैप का फनामिना या इसको हम अप ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं तो पहले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और देखिए यहाँ पर ट्रांसप्रेशन हम हमने दूसरे लेक्चर में लिया हुआ है मॉड्यूल टू में तो यहाँ पर जितना पानी प्लांट लेते हैं वो सारा का सारा उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज नहीं होता है बहुत थोड़ा सा पोर्शन वो यूटिलाइज करते हैं और जो एक्सेस वाटर उनका होता है वो एनवायरमेंट में वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है वो फिनमिना आपका ट्रांसपीरेशन का फिनमिना कहलाता है पहले लेक्चर मॉड्यूल वन में एसेंट ऑफ सैप के बारे में आपको बताते हैं तो यहाँ पर देखिए हम किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे पहली चीज़ तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसेंट ऑफ सैप का जो फिनमिना है इसका मतलब क्या हुआ अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर अब सवाल ये उठता है कि ये जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है जो नीचे से पानी आपका ऊपर जा रहा है वो किसके द्वारा जाता है प्लांट में जाइलम की सेल्स पाई जाती हैं और उन जाइलम की सेल्स के द्वारा पानी आपका नीचे से ऊपर की ओर जाता है और जाइलम में भी आपके चार तरह के सेल्स पाई जाती हैं जयलम पेरनकाइमा ट्रेकिट्स वैसल्स और जयलम इस्लेरनकाइमा यहाँ पर इन चार तरह के सेल्स का जो इन्वॉलमेंट है एसेंट ऑफ सैप के आ, के फनोमिना में इसमें से तीन सेल्स तो आपकी डेड होती हैं ट्रेकिट्स वैसल्स और जयलम स्क्लेरनकाइमा लिविंग सेल्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जइलम पेरनकाइमा की होती है अब यहाँ पर देखिए जो अगली चीज़ हम आपको बताएंगे वो है पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप मतलब वो क्या रास्ता है जिसके थ्रू आपका कौन से टिश्यूज़ हैं जिसके थ्रू पानी ऊपर जाता है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसके द्वारा जाता है जाइलम के द्वारा जाता है अब जाइलम में बहुत तरह की सेल्स हमने आपको बताई चार तरह की बताई उन चार तरह के सेल्स में से वो किस सेल के द्वारा जाएगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बहुत तरह की थ्योरीज़ हैं जो वन बाई वन हम आपको बताएंगे और उन थ्योरीज के बाद फिर लास्ट में जब हम आपको बताएंगे तो वो आपका आता है कि वो फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एसेंट ऑफ सेप के फिनमिना को प्रभावित करते हैं अब देखिए यहाँ पर अगर हम पाथ की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि पाथ क्या है जो प्लांट में जाइलम के सेल्स होते हैं जाइलम के सेल्स कहाँ पर होते हैं वो अगर हम बाहर से देखें तो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है रूट में आ, सबसे बाहर की तरफ इपडर्मिस होगी और इपिडर्मिस से निकलता हुआ रूट हेयर होता है अपडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आता है कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आती है एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल के बाद फिर आपका फ्लोयम और जाइलम आता है तो यहाँ पर जब रूट हेयर के द्वारा वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो रूट हेयर से कहाँ आएगा बाहर इपोडर्मिस में इपोडर्मिस से कहाँ आया कॉर्टेक्स में और कॉर्टेक्स के बाद वो एंड्रोडर्मिस फिर पेरीसाइकिल देन वो आपका जाइलम में पहुंचता है तो जब वो जाइलम में पहुंचता है तो जाइलम के द्वारा ही उसका अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है अब देखिए आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वाटर का कनेक्शन तो नीचे के लेवल पे आता है और जब नीचे के लेवल पे वाटर का कनेक्शन है तो ऊपर जो टॉप पे रखी हुई पानी की टंकियाँ होती हैं जो पानी के टैंक्स बनाए जाते हैं वहाँ पर पानी को लिफ्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं एक पंप लगाते हैं तो उस पंप से जो फोर्स होता है वो पानी को ऊपर तक ले जाने का काम करता है तो अब इसी तरह की कोई मेकानिज्म प्लांट में भी होगी ना जिससे कि नीचे जो पानी आपका एब्जॉर्व होकर के आया है वो बड़े बड़े से जो टॉल ट्रीज होते हैं वहाँ पर वो ऊपर जा कर के पंप करने का काम करता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं ऑफ सैप में तो उन थ्योरीज में पहली थ्योरी की हम बात करते हैं पहली थ्योरी आपकी क्या है रूट प्रेशर की थ्योरी हम लोग जानते हैं कि रूट में एक तरीके का प्रेशर होता है तो रूट प्रेशर की थ्योरी जैसे कि इसका नाम है इसके अकॉर्डिंग जो रूट में प्रेशर होता है वो यहाँ पर पानी को अपलिफ्ट करने का काम करता है नो no डाउट कि रूट प्रेशर जो है ये एक डायनेमिक फोर्स है लेकिन रूट प्रेशर डायनमिक फोर्स तो है लेकिन हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं फोर फोर हंड्रेड तक के ट्रीज होते हैं तो रूट प्रेशर जो होता है उसका जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ तक पानी को ऊपर लिफ्ट कर सके यहाँ पर जो रूट का प्रेशर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है लेकिन टॉल ट्रीज में पहुंचाने के लिए एटलीस्ट एटलीस्टू एटमॉस्फेरिक रूट प्रेशर की आवश्यकता होती है तो इस वजह से रूट प्रेशर की थ्योरी पूरी तरह से एसेंट ऑफ सैप के फिनमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है इसके बाद और चीज़ देखी गई कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर रूट में प्रेशर नहीं पाया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ पर एसेंट ऑफ सैप या अपर ट्रांसलोकेशन का फेनोमिना होता है इसका मतलब क्या हुआ कि रूट प्रेशर के कारण पानी वहाँ ऊपर नहीं चढ़ रहा है इसके बाद लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि प्लांट की रूट को उन्होंने पानी के अंदर काट दिया रूट को रिमूव कर दिया और उसके बाद उस प्लांट को जब पानी में डाला तब भी वहाँ पर एसेंट ऑफ सैप का फेनोमेना होता है क्योंकि पानी में है और पानी उसको मिल रहा है और पानी ऊपर को जा रहा है तो ये जो चीज़ें देखी गई और रूट प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं पाया गया तो ये इस चीज थि, इस थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है मतलब एसेंट ऑफ सैप के फनामिना को हम रूट प्रेशर की थ्योरी के द्वारा सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं आइए अब हम इसके बाद दूसरी थ्योरी की बात करते हैं दूसरी थ्योरी आपकी कौन सी है वाइटल थ्योरी वाइटल थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जो अपलिपमेंट ऑफ वाटर होता है वो किसके द्वारा होता है लिविंग सेल के द्वारा होता है और इस थ्योरी को प्रपोज किया था गोल्डवेस्की सरजेसी बोस और मॉलिश ने इन तीनों साइंटिस्ट ने वाइटल थ्योरी को सपोर्ट किया अब अगर हम गोल्डवेस्की की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग जो प्लांट के जाइलम में लिविंग सेल होती है कौन सी लिविंग सेल है अभी हमने आपको बताया जाइलम पैरन ज़ाइलम पेरन के की सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपका चेंज होता रहता है उस ऑस्मोटिक पोटेंशियल के चेंज होने से वहाँ पर रिदमिक चेंजेस होते हैं और उस रिदमिक चेंज से वहाँ पर एक पंपिंग एक्शन डेवलप होता है और उस पंपिंग एक्शन की वजह से अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर होता है मतलब वो जो फ़ोर्स वहाँ पे जनरेट होता है वो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने का काम करता है इसके बाद देखिए दूसरे थे आपके सर जेसी बोस सर जेसी बोस भी वाइटल थ्योरी को सपोर्ट करते थे जैसे कि गोड लेवस् ने किया और सर जेसी बोस का नाम आपने भी सुना होगा बहुत साइंटिस्ट है ये और इनके नाम से आपका एक कोलकाता में इंस्टीट्यूट भी है और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ये देखिए यहाँ पर ये इनका एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर यह पॉटेड प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर यह एक निडल लगी हुई है इलेक्ट्रिकल प्रोब है ये और इसको इन्होंने जो प्लांट की इनर मोस्ट सेल आपकी होती है जाइलम के अंदर वहाँ इंसर्ट किया उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ये गैल्वनोमीटर लगा हुआ है उसके बाद उन्होंने क्या पाया कि जो गैल्बनो यहाँ पर लगा हुआ है इसकी निडिल में फ्लक्चुएशन था मतलब निडिल आपकी आगे पीछे जा रही थी तो निडिल आपकी आगे पीछे क्यों जाएगी निडिल आगे पीछे इसलिए गई कि जो इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रोब इनर मोस्ट सेल में जाइलम पैरनकमा में लगा रखा था उसमें जब आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से फ्लक्चुएशन आपका हो रहा है तो वहाँ पर जो पंपिंग एक्शन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ये निडिल आपकी फ्लक्चुएट हो रही थी तो इस तरह से वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पंपिंग एक्शन आपका जनरेट हो रहा है जो ऊपर एसेंट ऑफ सैप के फिनिना को ले जा रहा है उसको सर जेसी बोस ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल प्रूफ के उसको प्रूव किया अब इसके बाद देखिए जो तीसरे थे आपके मॉलिश वो भी वाइटल थ्योरी के सपोर्टर थे और मॉलिश ने सक्सेसफुली जेसी बोस के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने भी पाया कि जाइलम पैरनकाइमा के सेल में जो पंपिंग एक्शन होता है वो पंपिंग एक्शन उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो किसके इक्वेलेंट है वो आपका जैसे हार्ट बीट होती है हार्ट में हार्ट कहाँ होता है आपका ह्यूमन बींग्स में होगा एनिमल्स में होगा क्योंकि प्लांट में तो हार्ट जैसी चीज़ हम लोग पढ़ते नहीं है पे जुलोजी में तो आप लोग पढ़ते हैं ना तो जो हार्ट बीट आपकी होती है उसमें पल्सेशन होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हार्ट बीट की तरह पल्सेशन होते हैं और उन्होंने भी जैसी बोस के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके वाइटल थ्योरी को सपोर्ट किया तो इस तरह से ये तीन साइंटिस्ट आपके वाइटल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ठीक है अगर हम मान लें कि वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिविंग सेल है उसके द्वारा जो पंपिंग एक्शन वहाँ जनरेट हो रहा है वो एसेंट ऑफ सैप के फनमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो लोगों ने फिर इसको प्रूव करने का प्रयास किया तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं लाइक पिक्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड इसको उन्होंने जाइलम के थ्रू प्लांट में इंसर्ट कराया उसके थ्रू उसको डाला वहाँ पर जब वो उसके थ्रू गया तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो जाइलम में बाकी सेल तो डेड हैं लिविंग सेल आपकी कौन सी है जयलम पैरनकाइमा तो अगर हम कोई पॉइजनस चीज़ डाल रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा उसका इफेक्ट जाइलम की पैरनकाइमा के सेल में जाएगा तो पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से क्या होगा लिविंग सेल आपकी डेड हो जाएगी और अगर लिविंग सेल डेड हो रही है तो हमारे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग सेल के पंपिंग एक्शन से एसेंट ऑफ सैप का फिनोमिना हो रहा है तो क्या होना चाहिए एसेंट ऑफ सैप का फिनोमिना बंद हो जाना चाहिए उस प्लांट में लेकिन जब पॉइजनस सब्सटेंस डाले गए उसके बावजूद एसेंट ऑफ सैप का फिनमिना बंद नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग सेल है वो एसेंट ऑफ सैप के फेनोमिना के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि रूट प्रेशर की थ्योरी भी सपोर्ट नहीं कर पाई पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई एसेंट ऑफ सैप के फेनोमिना को वैसे ही वाइटल थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई ये भी सपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि वाइटल थ्योरी का जो फंडामेंटल बेसिस है वो क्या है लिविंग सेल और जब लिविंग सेल को हमने डेड किया उसके बावजूद भी हो रहा है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वाइटल थ्योरी का वही फेल कर गया तो हम उस थ्योरी को कैसे मान्यता दे सकते हैं अब देखिए यहाँ पर तीसरी थ्योरी की हम बात करते हैं तीसरी थ्योरी आपकी फिजिकल थ्योरी है फिजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसेंट ऑफ सेप का फिनमिना होगा जाइलम के द्वारा वो किसके द्वारा होता है जो वहाँ पर डेड सेल्स होती हैं डेड सेल्स में आपके क्या हैं वेसल्स हैं ट्रकी हैं और स्क्लन काइमा के सेल हैं अब फिजिकल थ्योरी में कई सारी थ्योरीज हैं पहली इम्बाइबिशन की थ्योरी दूसरी कैपिलरी थ्योरी तीसरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थ्योरी और चौथी है ट्रांसप्रेशन पुल एंड कोहिजन की थ्योरी अब यहाँ पर फिजिकल थ्योरी में हम वन बाई वन आपको इन थ्योरीज़ के बारे में बताते हैं पहली थ्योरी देखिए इम्बाइबिशन की थ्योरी एम्बाइबिशन की थ्योरी किसकी दी हुई है इसको प्रपोज़ किया था अंगर ने और इसको सपोर्ट किया शायच ने यहाँ पर एम्बाइबिशन के बारे में हमने आपको एकदम पहले लेक्चर में जिसमें हमने फंडामेंटल्स आपको बताए थे प्लांट फिजोलॉजी के वहाँ पर मैंने आपको एम्बाइबेशन के बारे में बताया था उसको हम दोबारा आपको बताते हैं इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपकी जब सरफेस पर ही रहती है तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका सरफेस पे वाटर एब्जॉर्व होगा वो क्या हुआ इम्बाइबूशन का फिनमिना और इम्बाइबिशन के कारण वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता है इम्बाइबिशन फोर्स होता है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लांट में सेल वॉल है वो भी डेड ही होती है तो सेल वॉल जो है उसके इम्बाइबिशनल एक्टिविटी के कारण एसेंट ऑफ सैप का फनोमिना होता है और वहाँ पर जो इम्बाइबिशनल फोर्स आपका जनरेट हो रहा है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हंड्रेड टू वन थाउजेंड एटमोसफियर होता है जो कि बहुत सफिशियंट है टॉल ट्रीज में भी पानी को ऊपर ले जाने के लिए लेकिन क्या हम इस थ्योरी को मान सकते हैं देखिए यहाँ पर भी इस थ्योरी के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया गया ये देखिए यहाँ पर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि प्लांट में सबसे बाहर की तरफ क्या है सेल वॉल होगी फिर उसके बाद कॉटेक्स का पोर्शन है एंड्रोडर्मिस पेरिसाइकिल फ्लोयम देन जाइलम तो यहाँ पर हम सेल वॉल से लेकर के फ्लोयम तक के पार्ट को रिमूव कर देते हैं सिर्फ यहाँ पर बसता क्या है जाइलम का पार्ट तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो यहाँ पर यह देखा गया कि सिर्फ यहाँ पर इस पोर्शन में देखिए सिर्फ जाइलम अटैच है बाकी पोर्शन वहाँ पर सेल वॉल से लेकर के फ्लोएम तक का रिमूव कर दिया गया लेकिन फिर भी यहाँ पर एसेंट ऑफ सैप का फनोमिना होता है अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इम्बाइबिशन की थ्योरी क्या कह रही है कि सेल वॉल के द्वारा एम्बाइबिशन जो हो रहा है और इम्बाइबिशन फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कर रहा है लेकिन जब इसको हमने रिमूव ही कर दिया उसके बावजूद भी एसेंट ऑफ सैप का फेनोमिना हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एम्बाइबिशन की थ्योरी जो है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से जब उसको देखा गया तो वो उसको पूरी तरह से सेटिसफाई नहीं कर रही है तो इम्बाइबिशन की थ्योरी जो है फिजिकल थ्योरी में जो पहली थ्योरी है इम्बाइबिशन की थ्योरी ये एसेंट ऑफ सेप के फनामिना को जस्टिफाई नहीं करती अब देखिए फिजिकल थ्योरी में पहली थ्योरी जो हमने आपको बताई ये पूरी तरह से सेटिसफाई नहीं हुई रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से ये रिजेक्ट हो गई अब आपकी आती है दूसरी थ्योरी कैपिलरी थ्योरी जो बोहिम की दी हुई है कैपिलरी का मतलब आप समझते हैं जो नैरो पतली पतली सी जो आपकी वाटर की कैपिलरीज बनती हैं वो बहुत नैरो होती हैं तो इस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैपिलरी आपकी बनती है उसकी वजह से वहाँ पर एक कैपिलरी फोर्स जो जनरेट होता है वो कैपिलरी फोर्स अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन ये जो कैपिलरी थ्योरी दी गई एसेंट ऑफ सैप के फनमिना को एक्सप्लेन करने के लिए ये भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती एसेंट ऑफ सैप के फनमिना को इसके कारण क्या हैं कि पहली चीज़ तो कैपिलरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना नहीं होता है कि वो बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ को ऊपर तक पानी पहुंचा सके अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर यह भी देखा गया कि दो तरह का उड देखिए प्लांट में होता है एक होता है ऑटम वुड दूसरा होता है स्प्रिंग उड और ये दो तरह का उड जो आपका बनता है प्लांट में क्यों बनता है सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है और ऐसी जगहों पर बनता है जहां पर सीजनल वेरिएशन होता है मतलब तो आपका सीजन चेंज होता रहता है तो ऑटम वुड में जो आपकी वेसल्स होती हैं उनका जो ल्यूमन अंदर की कैविटी होती है वो ब्रॉड होती है चौड़ी होती है और स्प्रिंग वुड में जो आपका आ, की कैविटी बनती है वेसल की वो नैरो होती है तो यहाँ पर यह देखा गया कि जो ऑटम वुड की वेसल्स हैं जिनका ल्यूमेन ब्रॉड है उसके द्वारा एसेंट ऑफ सैप का फिनमिना ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्प्रिंग वुड जिसका कि ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है तो अब यहाँ पर देखिए कैपिलरी जो हम आपको बता रहे हैं कैपिलरी के कारण कैपिलरी फोर्स जनरेट हो रहा है तो कैपिलरी का मतलब जो आपका वेसल होगा उसका ल्यूमन कैसा है एकदम नैरो होगा तो यहाँ पर अगर हम ऑटोमूड और स्प्रिंग वुड को लें तो कैपिलरी फोर्स के अकॉर्डिंग जो आपका स्प्रिंग वुड है उससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर नैरो है और जो आपका ऑटोमूड है वहाँ पे ब्रॉड है तो उससे कम होना चाहिए लेकिन एकदम उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो वो जो अगेंस्ट द कैपिलरी फोर्स आपका एसेंट ऑफ सैप का फेनोमेना हो रहा है इसलिए कैपिलरी थ्योरी भी आपकी पूरी तरह से फेल हो जाती है यहाँ पर अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करने में अब हम आते हैं तीसरी थ्योरी पर यह है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थ्योरी जैसा कि हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये कहाँ डेवलप होगा एटमॉस्फेयर में डेवलप होगा और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उसकी वजह से प्लांट में एक फिनोमिना होता है ट्रांसपेरेशन का मीन्स वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा तो जब स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है तो वहाँ पर जो जाइलम की वेसिल है वहाँ पर प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से नीचे से पानी आपका ऊपर चढ़ता है लेकिन इस थ्योरी में भी ऑब्जेक्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा पानी आपका ऊपर चढ़ तो सकता है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है 34 फीट से ऊपर पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा नहीं चढ़ सकता है तो इसलिए जब बहुत बड़े बड़े से ट्रीज हैं वहाँ पर भी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थ्योरी आपकी फेल हो जाती है अब यहाँ पर हम चौथी थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे ट्रांसपरेशन पोला एंड कोहिजन थ्योरी जो कि डिक्सन एंड जॉली की दी हुई है और ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट आपके इसी थ्योरी को मानते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो अभी मैंने आपको बताई वो कौन सी है डिक्सन एंड जॉली की ट्रांसपरेशन पुल एंड कोहिजन थ्योरी और उस थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन तीन चीजों पर निर्भर करता है कोहिस फोर्स एडेसिव फोर्स एंड ट्रांसपरेशन पुल कोहिव फोर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कहाँ होता है सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है एडेसिव फोर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो ये आपकी वेसिल है ये वेसिल की वॉल हो गई और वेसल की वॉल और वाटर के बीच में जो फोर्स आपका लगेगा वो क्या कहलाएगा एडेसिव फोर्स तो यहाँ पर देखिए ये आपकी वेसल हो जाइलम की डेड सेल है वो ये उसकी वॉल हो गई वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वहाँ पर कोहेसिव फोर्स की वजह से वो आपस में एकदम बंधे रहते हैं दूसरा फोर्स आपका लग रहा है वेसल की वॉल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में तो यहाँ पर आपका एडेसिव फोर्स लग रहा है तो इस एडेसिव और कोहसिव फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है एक कंटिन्यूस क्या बन रहा है ये बन रहा है आपका वाटर कॉलम ये एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम आपका बन रहा है अब इस वाटर कॉलम के लिए लोगों ने कुछ सवाल उठाए पहला सवाल ये था कि ये जो वाटर कॉलम है जिसको हम कह रहे हैं ये कंटिन्यूस है पूरा पाइपलाइन आपकी इस वाटर कॉलम से भरी हुई है तो ये कंटिन्यूस नहीं रह सकता है क्यों कंटिन्यूअस नहीं रह सकता है एक तो वेट ऑफ द वाटर कॉलम उसका रीजन उन्होंने दिया कि वाटर कॉलम का जो वेट है दूसरा जब अपवर्ड ट्रांसलोकेशन आपका वाटर का यहाँ पर हो रहा है तो उसकी वजह से जो रजिस्टेंस इस वाटर कॉलम पे पड़ेगा वो रजिस्टेंस ये दोनों मिल करके क्या करते हैं इस वाटर कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं जब लोगों ने यह सवाल उठाया तो देखिए ये सवाल ठीक है वेट ऑफ वाटर कॉलम और जो रजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर अपर ट्रांसलोकेशन से इस पर पड़ रहा है उसकी वजह से वाटर कॉलम ब्रेक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है आपका उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है वो कितना होता है 350 फिफ्टी प्रेशर और इतने स्ट्रांग कोहिव फोर्स की वजह से वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं किया जा सकता है तो ये पहला जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर आया कंटिन्यूटी के लिए वो ब्रेक हुआ अब इसके पश्चात देखिए एक दूसरा भी सवाल यहाँ पर उठाया लोगों ने कि अगर ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम है हम जानते हैं ना कि पाइपलाइन में अगर पानी है और उसमें कहीं से कोई एयर बबल आ जाए तो एयर बबल अगर आ जाएगा तो जो पानी आपका जा रहा है उसके रास्ते को वो क्या करेगा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा और वहाँ से पानी नहीं जाएगा लेकिन वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि अगर हम जाइलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम के स्ट्रक्चर में देखिए ये आपकी वहसिल हो गई वहसिल के बगल में क्या हैं ट्रकीड्स हैं इस तरह से तो अगर ये वाटर आपका यूँ जा रहा है सपोज और यहाँ पर अगर उसको कहीं से कोई एयर बबल कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर है वो इधर ट्रकीट्स में जाएगा और ट्रकीट से होता हुआ वापस फिर ये हमारा वैसेस में आ जाएगा मतलब ये है कि जो अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हो रहा है वहाँ पर जितना भी आपका जाइलम का सेल है डेड सेल उस सब का इन्वॉलमेंट होता है तो इस तरह से अगर कहीं बबल आ जाए तो वो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर जो है ब्रेक नहीं होती है तो अब यहाँ पर देखिए कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स उसकी वजह से एक कंटिनुअस वाटर कॉलम आपका बना और ये वाटर कॉलम जो है किसका काम करता है रोप की तरह काम करता है रोप मीन्स रस्सी आप जानते हैं ना कि कुएं से जब पानी हम निकालते हैं तो एक रस्सी होती है और उसके नीचे एक बाल्टी होती है तो ये जो रस्सी है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कंटिन्यूस वाटर कॉलम अब कुएं से जब हम पानी खींचते हैं तो ऊपर से क्या होता है कोई ऊपर से फोर्स लगाता है तो अब इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर रस्सी है अब इस रस्सी को खींचने के लिए आगे फोर्स चाहिए एक वो फोर्स कहाँ से जनरेट होता है तो देखिए यहाँ पर कोई सी और रेडिसिव फोर्स की वजह से कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो है वो एक रोप की तरह हो गया रोप का काम करता है लेकिन पुल कहाँ से आएगा तीसरी चीज़ है आपकी ट्रांसपरेशन जो फोर्स आपका है वो कहाँ से आ रहा है? है ये प्लांट है ये प्लांट की लीफ हो गई इस लीफ में स्टोमेटा होता है स्टोमेटा में सब स्टोमेटल कैविटी और ये आपका जाइलम की वेसल हो गई जिसके अंदर हमने अभी आपको क्या बताया कंटिन्यूस वाटर कॉलम है अब इस वाटर कॉलम को कैसे खींचे कौन खींचेगा इस स्टोमेटा की वजह से यहाँ पर क्या होता है ट्रांसपीरेशन का फिनमिना हुआ जब ट्रांसपीरेशन होगा तो यहाँ पर सब कैविटी कैबिटी में जो मिजोफिल सेल्स हैं इसका पानी जब इधर को जाएगा तो ये सेल आपकी फ्लैसिड हुई इसको पानी चाहिए तो ये अपनी नेबरिंग सेल से पानी लेगी इसको पानी कम पड़ेगा तो नेबरिंग से लेगी धीरे धीरे ये कहाँ आया ये जाइलम की वेसल में आया तो अब जब जाइलम की वेसल में आया तो इसने क्या किया पानी यहाँ से खींचा ना तो यहाँ पर जो पुल है जो ऊपर से उस वाटर कॉलम के खींचने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है ट्रांसपिरेशन का फिनोमिना ट्रांसपिरेशन के फिनोमिना से वहां पर फोर्स जनरेट हो रहा है और वो उस कंटिन्यूस वाटर कॉलम को जो कि एक रस्सी की तरह है उसको खींचने का काम करता है इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड थ्योरी और ये थ्योरी किसकी दी हुई हमने आपको बताया डिक्सन एंड जॉली की दी हुई है और हर जगह ये थ्योरी पूरी तरह से एसेंट ऑफ सैप के फनमिना को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करती है और जितने भी आपके बॉटनिस्ट हैं जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं एसेंट ऑफ सैप के फेनमिना को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरह से वो ट्रांसपरेशन पुल एंड को थ्योरी से सेटिस्फाइड से हैं है देखिए यहाँ पर यह फिगर भी बना हुआ है आपका जो ट्रांसप्रेशन पुल को यहाँ पर दिखा रहा है अभी तो मैंने आपको बोर्ड पर बनाकर बताया लेकिन अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लीफ के द्वारा यहाँ पर पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है जिसकी वजह से वो जो फोर्स आपका जनरेट हो रहा है वाटर कॉलम को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ अपवर्ड ले जाने का काम कर रहा है वही चीज़ यहाँ पर भी आपको ये दिखाई गई है एरो के द्वारा भी ये देखिए इस तरह से ये वाटर आपका यहाँ से ट्रांसलोकेट हो रहा है अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट चीज बचती है इस टॉपिक की वो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एसेंट ऑफ मतलब कौन से फैक्टर हैं जो एसेंट ऑफ और अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो ज्यादातर आपके ट्रांसपुरेशन को अफेक्ट करते हैं वही एसेंट ऑफ के फनमिना को भी अफेक्ट करते हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में क्या होगा रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा जब रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा तो वो पुल का काम करेगा तो वाटर कॉलम को तेजी से ऊपर को खींचेगा तो क्या होगा यहाँ पर एसंट ऑफ सैप का फिनमिला इंक्रीज़ करेगा लो एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी पर भी रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन बढ़ेगा जब रेट ऑफ़ ट्रांसपरेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपरेशन पुल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ आपका एसेंट ऑफ सैप बढ़ेगा इसी तरह से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी भी आपके रेट ऑफ़ ट्रांसपरेशन को इंक्रीज़ करती है जहाँ जहाँ भी रेट ऑफ़ ट्रांसपोरेशन इंक्रीज़ करेगा तो अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो है वो आपका इंक्रीज करेगा दूसरी चीज़ देखिए यह है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द दॉयल अगर सॉइल में पानी की ही कमी है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी एसेंट ऑफ सैप के फिनिना की क्यों? क्योंकि अगर सॉइल में पानी ही कम है तो प्लांट को जब पानी ही कम मिलेगा तो जब पानी कम मिलेगा प्रेशर ही नहीं है अगर पाइपलाइन में तो पानी कैसे ऊपर को अपलिफ्ट करेगा तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई कि जब डेफिशिय है वाटर की सॉयल में तो वहाँ पर भी एब्जॉपन के फनमिना आपका डिक्रीज करेगा तीसरा चीज़ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखिए हमने यहाँ पर आपको ट्रांसपरेशन के बारे में बताया जो कि पुल का काम करता है और ट्रांसपरेशन का फनोमिना आपका किसके द्वारा हो रहा है स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है और ट्रांसपरेशन कब होगा जब स्टोमेटा ओपन है और जब स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपरेशन का फनोमिना नहीं होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिन में जैसे कि स्टोमेटा आपके खुलते हैं तो जब स्टोमेटा आपके खुले होंगे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन होगा वहाँ पर जब ज़्यादा भी होगा और ट्रांसपरेशन जब आपका होगा तो एसेंट ऑफ सैप का फेनोमिना होगा लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो वहाँ पर ट्रांसपरेशन नहीं होगा और जब ट्रांसपरेशन नहीं होगा तो पुल नहीं जनरेट होगा उसको खींचने के लिए वाटर कॉलम रूपी रस्सी को खींचने के लिए तो वहाँ पर भी एसेंट ऑफ सैप का फेनोमिना नहीं होगा देखिए अभी हमने आपको एसेंट ऑफ सैप के फनामिना के बारे में बताया अपर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इससे पहले हमने आपको एब्जॉर्बन ऑफ वाटर के बारे में बताया था जो आप दोनों लेक्चर्स को आपको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एसेंट ऑफ सैप के फनामिना में पहली चीज़ कि जाइलम के द्वारा होगा जाइलम की डेड सेल के द्वारा होगा और जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी आपकी है वो कौन सी थ्योरी है एसेंट ऑफ सैप के लिए ट्रांसप्रेशन पुल एंड कोहिजन की थ्योरी जो डिक्सन एंड जॉली की दी हुई है तो आप दोनों को कोरिलेट करके पढ़िएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा धन्यवाद